महंत श्री सिद्ध गोपाल जी चटाधारी पुजारी जी का 21 वर्ष प्राचीन देवी मंदिर जो कि शालीमार बाग गांव चौक दिल्ली 88 स्थित, जिसका डिपार्टमेंट सर्वे नंबर B11/41/73 है, जो कि प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध कराया है। लगभग 5 वर्ष पहले वहां से झुग्गियों को स्थानांतरित कर दिया गया था, परंतु मंदिर आज भी वहीं पर स्थित है और 1 जून को मंदिर को PWD के अधिकारियों द्वारा हटाने का भारी प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन को भी शामिल किया गया, जिसमें मंदिर की छप्पर से बनी छत एवं चार दीवारी को PWD की कार्रवाई में गिरा दिया गया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के विरोध प्रभाव से मूर्तियों को कोई क्षति नहीं पहुंची। मंदिर बचाने की मुहिम में भाग लिया जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, जिला मंत्री गिरिराज वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष आशु सिंघल, जिला कार्यकारिणी गोवर्धन चतुर्वेदी जी गुरु जी, जिला प्रचार प्रमुख वेद प्रकाश जी, राधे राधे पंडित जी, जिला अर्चक प्रमुख कार्यकारिणी जिला नुपुर शर्मा, जिला कार्यकारिणी अमन कुमार, राहुल गुप्ता, जिला सुरक्षा प्रमुख शालीमार बाग, संयोजक नीरज वर्मा, सह संयोजक हैप्पी, गिरीश जी श्री नलवा सिंह प्रखंड सह मंत्री एवं अन्य प्रखंडों के एवं जिला कार्यकारिणी उपस्थित रहे। कोरोना काल के अंदर मंदिर को तोड़ दिया गया है और उनका कहना है कि मंदिर खुलना चाहिए और बिना किसी को सूचना बताया गया है। जो यहाँ के पुजारी हैं उनके पास उसके कागज भी हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ में मंदिर प्रशासन के जिला अध्यक्ष राकेश जी गुप्ता है। आइए हम इसके बारे में इनसे बात करते हैं। राकेश जी, आप इस मंदिर के बारे में पूरे विवरण दीजिए। हमारा कहना है कि आज हमारी दिल्ली की जनता कोरोना महामारी से पिछले 1.5 महीने से तकरीबन लोगों के काम धंधे रोजगार हर घर बीमारी का बहुत सामना हो रहा है। लोग ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल तक, डॉक्टर से लेकर दवा दारू तक हर चीज़ के लिए जूझ रही है। जनता असहाय है और सरकार भी कुछ हद तक लाचार दिखाई दे रही है अपने भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी। ऐसे में आज हमारी जनता को भगवान का ही भरोसा है और उन्हीं की प्रार्थना के सहारे हमारे जीवन की गाड़ी चल रही है। पर भगवान की कृपा से पिछले महीने भी इसमें 25 दिन में देखने में आया है कि दिल्ली में कुछ कोरोना के केसेस भी कम हुए हैं और सरकार ने कुछ ऐसे में जो भगवान के भरोसे हम हैं, ऐसे में चुपके से ऐसी कार्रवाई की जाती है, हमारे मंदिर को तोड़ा जाता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन का ऐसा कौन सा काम बदल रहा था कि जो कोरोना महामारी से लड़ी छोड़कर वो हमारे मंदिर से सहरसा के केंद्र से लड़ने के लिए चले आए और हमारे आस्थाओं पे जिनकी भगवान के भरोसे जिनकी प्रार्थना के आधार पर जिनका हमारे आस्था पे जो विश्वास छोड़ती भी है जिनसे आज हमारी सुरक्षा हो रही थी। तो हम सबका पूरे हिंदू समुदाय का दिल में बेहद दुख है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमारा निवेदन है यहाँ की काउंसिलर से, यहाँ की माननीय MLA साहिबा मन्ना कुमारी जी से, यहाँ के प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारे इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा करके यहाँ के लोगों की घायल आस्था को, घायल खेत को एक मजबूती प्रदान करें और हमारी प्रार्थना को, हमारी पूजा को, हमारी आस्था जी है। 10 मिनट लगे जाते हैं। यहाँ पर मंदिर हमारे पास यहाँ के MLA वंदना कुमारी जी के द्वारा प्रशासन को निर्देश दिया गया है, ऐसी हमें सूचना मिली। और जैसे ही हमें सूचना मिली, इस हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ सब उपस्थित हुए और इस मंदिर के टूटने के लिए जो आदेश दिया गया था उसको रोकने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए। हमारा प्रशासन से ये कहना है और निवेदन भी है कि प्रशासन हिंदू धर्म पर ही क्यों प्रतिकार करता है, हर समय हिंदू संस्कृति के ऊपर ही क्यों आघात होते हैं। मंदिर पिछले 22 सालों से यहाँ पर आधारित है। यहाँ के महंत जी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और मंदिर गवर्नमेंट की नज़र में यहाँ जो उपस्थित है वो रिजर्व भी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मंदिर को रजिस्टर्ड कर दिया गया तो गवर्नमेंट के प्रशासन के अधिकारी मंदिर को रिमूव क्यों कर रहे हैं?
क्या कानून सिर्फ एक ही पक्ष के लिए चलता है, दूसरे पक्ष के लिए नहीं? यहाँ इतने सारे एनफोर्समेंट होते हैं, उनको तो कोई हानि नहीं होती। जहाँ मंदिर आ जाए, यहाँ कोई बात हो जाए, तो उस पर फटाक से जो है वो कोई भी आदेश दे करके और उसे तोड़वा दिया जाए। ये संस्कृति की और मानवता की बहुत ऐसी बड़ी निंदा है कि इस पूरे समाज में इतना भय फैला हुआ है कि हिंदुत्व का तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन हम आपको, आपके माध्यम से सभी हिंदुत्व के वासियों को, सभी हिंदुत्व को ये आश्वासन देना चाहते हैं। इसलिए लोग आए बस में अभी हम साहब के आश्वासन पर इस मीटिंग को स्थगित करते हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम सब लोग यहीं के हैं, दोबारा यहां हम इकट्ठे होंगे और जिस प्रकार से भी होगी हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी के दबाव में या डरने में नहीं आएंगे। जय श्री राम।